We want justice. We want justice. Lawn नहीं job चाहिए. Lawn नहीं job चाहिए. Lawn नहीं job चाहिए. We want justice. We want justice. Lawn नहीं job चाहिए. Lawn नहीं job चाहिए. We want justice. Lawn नहीं job चाहिए. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Lawn नहीं job चाहिए. Lawn नहीं job चाहिए. Lawn नहीं job चाहिए. We want justice. 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 Lawn नहीं job चाहिए. Lawn नहीं job चाहिए. मैं डॉक्टर फैजुल निस्सा हूँ. आई एम वर्किंग एज अ हाउस सर्जन इन गारमेंट डेंटल कॉलेज राइट नाउ एंड मैं स्टूडेंट भी यहीं की हूँ. मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने मेरिट में 1 समथिंग पॉइंट से रह गई हूँ. हम में से हर एक स्टूडेंट अपने रिस्पेक्टिव मेरिट्स में सिर्फ उतने ही मार्जिन से MBBS से रह गया है. स्टिल उस वक्त हमने एक डिसीजन लिया कि इट्स ओनली द सेकेंड बेस्ट. हम भी तो डॉक्टर्स हैं. इट्स गोइंग टू बी काइंड ऑफ सिमिलर थिंग. बट हम जब यहाँ आके हमने देखा, अपने सीनियर्स की हालत देखी है एंड इवेंचुअली हम पर भी अब वही बीत रही है कि हम लोग बिल्कुल यूजलेस हो गए हैं. कहाँ हम अपने कॉलेज अपने स्कूल्स के टॉपर्स होते थे और यहाँ हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लाइफ में चाह क्या कर क्या रहे हैं. आई मीन हम लोग इतना काम कर रहे हैं फॉर समथिंग जो हमें पता भी नहीं है आगे है क्या. बिकॉज जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो रही है. पिछले 13 सालों से कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहे हैं. कंटिन्यूसली हमारी डिमांड्स जा रही है गवर्नमेंट के पास पर हो तो कुछ नहीं रहा है. तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी डिमांड सुनी जाए. एटलीस्ट हमें एक पेशेंट हियरिंग तो मिले कहीं पे हमारी जो इश्यूज है उसको कोई सुने तो अच्छे से, ताकि हम भी अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट के सामने रख सकें. एंड इवेंचुअली आई एम श्योर कि वो समझेंगे कि नीड है पेशेंट्स की, ओरल हेल्थ केयर इन J&K इज सफरिंग एंड दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड. इट्स हाई टाइम नाउ. सो दैट विल बी अवर रिक्वेस्ट. एंड फॉर द क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स इज वन थिंग एंड वी वॉन्ट अ डायरेक्टोरेट, प्रॉपर डायरेक्टोरेट फॉर डेंटिस्ट्री, सो दैट हमारी तरफ से कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हो जो ओवरऑल ओरल हेल्थ की नीड्स से नीड्स को एड्रेस कर सके. दैट नंबर ऑफ इश्यूज दैट वी कैन टेल यू अबाउट दैट. फर्स्ट, अगर आप फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का कह रहे हैं कि इकनॉमी, वो सिर्फ डेंटिस्ट्री के लिए नहीं हो सकता. इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ डेंटिस्ट्री सफर करे इस चीज़ से. हमने देखा है कोविड हुआ. इनफैक्ट कोविड की वजह से तो गवर्नमेंट शुड बी मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल कि अब वी हैव टू, हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में कितने प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ ईच एंड एवरी पेशेंट. बट हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में उतनी ही प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. दिस हैज़ टू बी मॉनिटर्ड, राइट. अगर हम अभी तक सिर्फ HIV और हेपेटाइटिस बी को लेकर वरीड थे कि जो पेरिफ्रीज में डेंटिस्ट्री है, सॉरी डेंटल सर्जन है या डेंटल असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को We want justice. Lawn नहीं job चाहिए. Lawn नहीं job चाहिए. We want justice. Justice. Job चाहिए. Job चाहिए. Job चाहिए. Job चाहिए. Justice. 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 Job चाहिए. Job चाहिए. Justice. 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 Job चाहिए. Job चाहिए. जी, मेरा नाम डॉक्टर फरहान है. आज प्रोटेस्ट में हम इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि 2008 से लेकर अभी तक गवर्नमेंट ने एक भी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की है. हर फील्ड में उन्होंने PSC के रिक्रूटमेंट्स कर दिए हैं, सिर्फ डेंटल को इग्नोर किया जा रहा है. डेंटल में मसला ये आता है कि हर वक्त बोला जाता है कि बजट नहीं है. इस पर जो हमारी फाइल है 580 पोस्ट उस पर हमने किया है उस पर, लेकिन बजट का खर्चा जो आ रहा है वो है 42 करोड़। और अभी आप यहाँ पर कैमरा घुमा के देख लीजिए, वो है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की पार्किंग. कम से कम इस पर 100 करोड़ का खर्चा आया है. ये यहाँ की बिल्डिंग है, इस पर कम से कम 200 करोड़ का खर्चा आया है. GDC जम्मू में जो पार्किंग जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उस पर कम से कम 300 करोड़ का खर्चा आ गया. सिर्फ अगर जॉब्स प्रोवाइड करने की बारी आती है तो बोलते हैं बजट नहीं है. 42 करोड़ से अगर आप एक बार इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, फेज़ वाइज कर दीजिए, 200 पोस्टें या 300 पोस्टें रिक्रूट कर दीजिए. डेंटल डॉक्टर्स की पोस्ट अभी तक नहीं निकली है. ये जो हमारे साथ यहाँ पे पीछे खड़े हुए बच्चे हैं, सब कोई PG है, कोई रजिस्ट्रार है, इनका फ्यूचर क्या है? 15 सालों से आपने एक भी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की है, क्या करेंगे? हमारी जनमन डिमांड से कि गवर्नमेंट को एज सून एज PSC रिक्रूट करना चाहिए. जितनी भी ज़्यादा स्कीम से डेंटल डॉक्टर्स को रिक्रूट करना चाहिए. मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गवर्नमेंट अभी बोला है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे. फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमारी कोई महिला डॉक्टर लोन लेती है एंड शी गेट्स प्रेगनेंट, उसकी शादी होती है, उसका बच्चा होता है. वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि जब भी कोई महिला डॉक्टर, कोई भी महिला होती है, शी कैन नॉट रन ए क्लिनिक, वो जॉब नहीं कर सकती 2 साल. लेकिन अगर हमारी फीमेल डॉक्टर जो लोन लेगी, उसका बच्चा होता है,
वो बच्चे को पाले की क्लिनिक चलाएगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, 8 लाख का बोल रहे हैं, 4 लाख दे रहे हैं हमें लोन, उसका EMI कम से कम 10,000 पर मंथ भरनी होगी लोन की इंस्टॉलमेंट। उसके बाद अगर किसी को क्लिनिक चलाऊंगी तो अपने सर पे बिठा के तो क्लिनिक नहीं चला सकता ना, एक जगह चाहिए, एक लोकेशन चाहिए, रेंटेड बिल्डिंग्स होती है, कम से कम उसमें 20,000 उसका पर मंथ आता है। तो अगर एक फीमेल डॉक्टर प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका बच्चा होता है, शी कैन नॉट रन ए क्लिनिक फॉर 1 साल, तो 1 साल उसकी EMI कौन भरेगी? वो भी तो गवर्नमेंट को सोच। हमारी डिमांड एक ही है कि एज़ सून एज़ PSC रिक्रूट कर दी जाए, उसके बगैर हमारी कोई भी जनरल डिमांड्स नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमारे जितने भी डेंटल डॉक्टर्स हैं, तकरीबन 7,000 डेंटल डॉक्टर्स अभी अनएम्प्लॉयड है, उसमें से कम 1,000 डेंटल डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए। तो गवर्नमेंट का एक फेलियर है कि बोलते हैं कि हम जी आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, फिर अपना फेलियर छुपाने के लिए बोलते हैं कि हम आपको लोन्स प्रोवाइड करेंगे। अगर लोन से प्राइवेटाइजेशन करना है फिर MBBS को भी प्राइवेटाइजेशन करो, फिर मेडिकल के जितने भी आदत तबके हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करो, आप वेटरनरी को प्राइवेटाइजेशन करो, MBBS को प्राइवेटाइजेशन करो, हर फील्ड का प्राइवेटाइजेशन करो। जस्ट बिकॉज आप डेंटल डॉक्टर्स को जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो फिर बोलते हो हम लोन देंगे, दैट्स अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। हम मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा दर्द समझे, हमारे जो 7,000 डेंटल डॉक्टर्स हैं तो उनका दर्द समझे, हमें जॉब्स प्रोवाइड करें, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाए। अगर आप जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हो तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का फायदा क्या है, इतना पैसा इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है, यूज इट समवेयर एल्स। या अगर आप जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपके पास कोई बिल्कुल फेलियर है, कम फॉरवर्ड हम लोगों से बात करें, हमें एक बात बोल दिया जाए कि आपके लिए जॉब्स नहीं है, वी विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर सम अदर थिंग्स, हमें अपना किसी दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। हम में से ये जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, किसी का 1 नंबर पॉइंट कम हो गया था, किसी के 0 पॉइंट्स कम हो गए थे, CET क्रैक किया है, किसी ने NEET क्रैक किया, उसके बाद एक फेलियर की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। हम मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं एज सून एज पॉसिबल हमसे बात करें, अगर आपके पास हमारे लिए कुछ है तो ठीक, अगर नहीं है तो एटलीस्ट टॉक टू अस, हम वेट कर रहे हैं। पिछले 40 दिनों से हमारी जो एसोसिएशन के लोग हैं जुम्मू में, वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का फेलियर है हमारे सामने आ ही नहीं रही है। वो रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक टू अस।